हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने जो नोकिया 6.1 जो मॉडल है नोकिया के किसी भी डिवाइस में आप सेट कर सकते हैं, जो कि आपका होस्टपोर्ट पासवर्ड होता है जो कि आपको पता नहीं होता। जैसे आप किसी को कॉन्टैक्ट करते हैं, यानी कि जो किसी को आप शेयर करते हैं तो वो आपका पासवर्ड पूछता है, या फिर दूसरे डिवाइस में करते हैं तो कई बार पासवर्ड नहीं पता होता है। तो उस केस में क्या करना चाहिए आपको, सिंपली जो मैं करूँगा आप मुझे फॉलो कर लीजिए और जैसे मैं करूँगा वैसा कर लीजिए। आप पासवर्ड चेंज कर पाएंगे और जो मर्जी पासवर्ड रख सकते हैं। और गाइस, इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि हमारा सपोर्ट, आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो लाइक करके हमें सपोर्ट दिखाइए। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पे सेटिंग देखने को मिल जाता है, सेटिंग पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरनेट एंड नेटवर्क पे क्लिक कीजिए। आपको ये मोटोरोला के डिवाइस में भी सेम ही आपको सेटिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कई देखने को मिल जाता है, होस्टपोर्ट एंड ट्रेंडिंग लिखा हुआ है गाइस, थ्रेटिंग गाइस। उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद होस्टपोर्ट वाईफाई होस्टपोर्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इसको ऑन कर देना है यहाँ से, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, सिक्योरिटी लगानी है, यानी कि चेंज करना है। तो आप यहां से WPS भी सेट कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद इस पर आ जाएगा पासवर्ड का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए और यहां से पासवर्ड चेंज कर लीजिए। आप देख सकते हैं डिफ़िकल्ट पासवर्ड है, आप यहां से जो मर्जी रख सकते हैं। लाइक मैं यहां से एक पासवर्ड रख लेता हूं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 जो है मैं यही 8 तक रख लेता हूं और इसे सेव कर देता हूं, क्योंकि 8 डिजिट ही मांगता है। तो ये ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सेव हो चुका है, आपका कोई सवाल ववाल हो मन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।